डॉक्टर वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन आज का क्वेश्चन मेरा रहेगा ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे है क्वेश्चन मतलब वो आपको दिखाने आते हैं जब वो वेट करते हैं मैं उनके साथ रहता हूँ मैं उनसे बातें भी करता हूँ बहुत से लोगों की टेस्ट मोरियल्स भी लेता हूँ लोग देते हैं टेस्ट मोरियल्स नोटिस मैंने ये किया पीरियड ऑफ सो मेरी ईयर्स जैसे नेचर में होता है दो लोगों के रेटिना आयरिस मैच नहीं करता किसी के दो लोग के नहीं दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते सो टेल मी आई राइट इन कि दो लोग लो, उनके पैचेस सिमिलर हो सकते सेम नहीं हो सकते बिल्कुल राइट करेक्ट ना सबके अलग 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 वो होते हैं और ये पेशेंट्स लाखों में है जो आपके पास आते हैं और सबका पैच डिफरेंट टाइप का अच्छा पैच की इंटेंसिटी भी अलग पैच का लुक भी अलग और उसकी फरॉसिटी भी अलग है मतलब कहीं बहुत फैला होता है कहीं कम फैला होता है एनी आप मेरा पॉइंट समझ गए एंड यू हैव सेड क्या वो होता ही है सो हियर कम्स माय क्वेश्चन जब इतने अलग अलग प्रकार के टाइप्स के पैचेस होते हैं तो आप उनका इलाज कैसे कर पाती हैं वॉट डिसाइड्स वॉट ट्रीटमेंट वॉट दवा देखो आयुर्वेद का प्रिंसिपल है एक ठीक है कि कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है वी आर ऑल यूनिक पढ़ते तो हैं हम ये सब yes. है ना बट लोग इसे अलग वे में लिखते हैं बट आयुर्वेद इसको मानता ही है इसको आ, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता ही है दैट एवरीबडी इज डिफरेंट यूनिक इन देयर ओन वेज और जहां पैचेस की बात है वो भी यूनिक हो सकते हैं जैसे आपने देखे हैं, mm. है ना और जब हम उन्हें देखते हैं स्टडी करते हैं तो किसी भी इंसान को या पेशेंट को भी जब हम स्टडी करते हैं तो एक एनालिसिस uh, आता है जिसे हम बोलते हैं प्रकृति एनालिसिस बेसिकली एक प्रकृति अगर कभी आपने आयुर्वेद में सुना बॉडी टाइप होता है आपका आप तो प्रकृति एनालिसिस करते हैं जी बिल्कुल okay. आपको हो सकता है पता चले डिटेल में हो रहा है। और कभी कभी नहीं पता चलता हम क्वेश्चन में ही पता लगा लेते हैं ठीक okay. है तो आ, वो प्रकृति जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज वो जो आपका बॉडी टाइप है तीन दोष अगर आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे लोग तो उनको पता होगा तो उनकी डोमिनेंस मतलब उनका ज्यादा प्रधान मात्रा में जो दोष उनकी बॉडी टाइप में रोल प्ले कर रहा होता है वैसे उनके कुछ लक्षण होते हैं जैसे अगर जैसे आपकी स्किन कैसी रहती है मैं फेस ऑयली और बॉडी टाइप वो ड्राई ड्राई है, ड्राय है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे बॉडी टाइप कैसा है स्किन टाइप अच्छा है? कि, किस हाँ, अच्छा 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 uh, बहुत सारे एंड हाँ, टाइपिन हाँ. uh, मतलब बहुत डिटेल्ड है ठीक है okay. तो बॉडी टाइप निकल जाता है उस बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही आपके पैचेस अलग अलग दिखते हैं कौन से दोष की प्रधानता है वहाँ विकृति किस तरह की है वैसा भी दिखता है आयुर्वेद में एक और वर्ड आता है बहुत टेक्निकल ना जाते हुए दूषित की कहा दूषित हुए हैं दोषों ने कहा जाके इम्बैलेंस क्रिएट करता है वैसे उनकी भी अपेयरेंस अलग होती है कॉमनली अगर मैं बताऊं मान लीजिए आपकी बात डोमिनेंट स्किन है तो आपके पैचेस में रूक्षता मतलब ड्राइनेस ज्यादा रहेगी क्योंकि ड्राई हवा कैसी होती है ना ड्राई होती है Correct. तो आ, वहां पर आपको रूक्षता मिलेगी अगर पित डोमिनेंट है पित बेसिकली फायर से आप कर सकते हो रूक्षता मीन्स ड्राइनेस ड्राइनेस हाँ पित्त डोमिनेंट अगर रहेंगे पैचेस और आपकी पित्त जो होती है वो आप फायर एलिमेंट से कोरिलेट कर सकते हो फायर कैसी होती है हीट उष्ण तो वहां पर हीटिंग फैक्टर एक रोल प्ले कर रहा होगा गर्म होगा कफ दोष में क्या होगा कफ कैसा होता है ना ग्लूई टाइप लकड़ा चिकनाहट तो स्किन जो है थोड़ी शाइनी दिखेगी अच्छा। वहां पर हाँ स्वेलिंग हो सकती है स्किन में आ, इचिंग हो सकती है कंडू जैसे बोलते हैं इचिंग हो सकती है तो अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी हम जज करते हैं कि आपका पैच कैसा है ओके okay. एक स्टेज आती है पैच की कि प्रोग्रेसिव hmm. है या स्टेबल है है रैपिडली प्रोग्रेसिव या माइल्डली प्रोग्रेसिव है है hmm. कि बहुत तेजी से है। अब क्या होता है ना पेशेंट के अकॉर्डिंग तो सब कुछ ही बहुत तेज हो रहा है करेक्ट बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम मैं बता सकती हूँ वो तो एक नजर में देखने से ही पता चलता है मुझे कि पैच बढ़ रहा है या रुका हुआ है या स्टेबल है या तेजी से बढ़ रहा है या मैं उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर भी कर सकती हूँ कि आने वाले छः महीने नौ महीने कैसे रहने वाले हैं ये दो मेजर आई थिंक डिफरेंस है जो दिखता है थर्ड आता है कि आप दवा क्या ले रहे हैं अगर आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं कई बार मेरे पेशेंट मुझे बताते नहीं है कि हम कुछ लगा रहे हैं मैं देख के बता सकती हूँ अच्छा। कि आप क्या लगा रहे हैं तो वो अपियरेंस है अगर आप कोई ऑइंटमेंट या कोई घरेलू उपाय या कोई कुछ भी होम रेमेडी कुछ भी किसी तरह की आप यूज कर रहे हो

सेवेंटीन ईयर्स हो गए हैं मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर बने हुए और इतने सालों से मैं लाखों पेशेंट्स सफ़ेद दाग के देख चुकी हूँ तो एक होता ना एक नज़र में पता चलना कि ये है तो किसी को जो हमें अभी देख रहे हैं अगर किसी को बेटे लोगों से संबंधित अपने पैचेस जो अलग अलग टाइप इनका पैच अलग हो सकता है तो अगर उसके बारे में उन्हें अगर आपसे बात करनी है तो किस नंबर पे फोन कर सकते, also, comment, yes, yes, yes. So, भी कर सकते हैं और पेशेंट्स के लिए आप एट जीरो थ्री फोर थ्री फोर ये मुझे करना ही है हर बार क्योंकि हम जो शो कर रहे हैं ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो इसीलिए किया जा रहा है कि आपको एक कॉन्टेक्ट कर जमाना पड़े आप कॉल कीजिए डॉक्टर निदिका कोहली डायरेक्टली या उनकी टीम से मोस्टली उनसे आप बात कर सकते हैं एंड योर एम शुड भी आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो इनसे मिलने का होना चाहिए फिर जब ये देख लें आपको वहां से आपकी एक जर्नी हमारे साथ शुरू होगी और आप खुद ही गवाह रहेंगे कि आपके पा, जो पैचेस हैं जो सफेद दाग हैं वो कब कैसे और कितने हील होते हैं ज्यादा नहीं बोल दिया नहीं बिल्कुल ठीक है तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपने आज ये जो एक क्वेश्चन था लोग अपने बारे में लोग बोलते हैं ना दूसरे के लिए होता है मेरे लिए नहीं होता तो क्यों नहीं होता वो मुझे समझ में आया या उनको भी समझ में आया हुआ थैंक यू मच थैंक यू